एक सेकंड क्या आज पहली बार हिंदुओं ने जिस तरह से हम देखते आते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता जो अभी वर्तमान सांसद है वो सदैव हिंदू समाज के लिए हिंदू धर्म के लिए कुछ भी टिप्पणियां करते हैं। स्वाभाविक बात है कि वो हिंदू नहीं है। अभी भी हमने पिछले दिन देखा कि उनने हिंदुओं को हिंसक बताया और हमारे देवी देवताओं को हिंसक बताया। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि हम जैसे लोग राहुल गांधी जैसे लोगों को नेता मानते हैं जो यहाँ की सबसे बड़ी हिंदू समाज की आबादी उनके लिए कभी कुछ भी टिप्पणी करते जाते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। आज हमने यहाँ पर से मुक्तिधाम से लेकर कब्रिस्तान तक उसकी शव यात्रा निकाली। कब्रिस्तान पर हमारा उसको गाड़ने का प्लान था, पूरे हमारी योजना थी, पर बीच में पुलिस ने हमारे को बलपूर्वक यहाँ पर रोका और इसके बाद हमारे नाले के पास यहाँ पर एक गड्ढा था उसमें हमने उनको यहाँ पर दफनाया राहुल गांधी के उसको कब्रिस्तान पर। सुमित हाइडिया, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक। जय जय सियाराम। आज राहुल गांधी जी द्वारा जो लोकसभा में एक बयान दिया गया था उसके विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा उनके पुतले को दफनाने का एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था जिसमें कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हम पुतले को कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे, परंतु पुलिस ने पहले ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाकर उनको रोका और एक उचित स्थान पर उन्होंने अपने राहुल गांधी जी के पुतले को दफन कर दिया। कब्रिस्तान में ले आना चाह रहे थे क्या उचित समझते हो उठा ले जाना जी क्या उचित समझते हो मुस्लिम इसीलिए सबकी धार्मिक भावना को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था लगाई थी कि किसी प्रकार कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। Subscribe.